स्पीड से भागे और हम ना हॉल में आ गए। अनेसो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वाटी चैनल। आई नो आई एम कम बैक आफ्टर लॉन्गेस्ट टाइम। और मैंने आपसे पूछा था क्या वीडियो बनाऊँ, तो आपने ज़्यादा वोट किए थे और व्हाट्सएप चैट के लिए। तो मैं काफ़ी ट्राई किया मैं बनाऊँ, बट ना पता नहीं क्यों कोई ना कोई काम पड़ रहा था। जब मैं सोच रही थी ना बनाती हूँ वीडियो बनाती हूँ, तो ना कोई काम पड़ रहा था। तो उसके बाद फिर माशाल्लाह रमज़ान शुरू हो गया, फिर ईद, तो मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बट फाइनली आज टाइम मिला तो मैंने कहा आज मैं शूट कर ही दूँ। और आपको शायद मेरी आवाज़ कम आ रही होगी बिकॉज इस टाइम सुबह भी नहीं हुई, रात हो रही है तो सब सो रहे हैं, तो इसलिए आहिस्ता बोल रही हूँ मैं। तो आप प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी आर्मी, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और ना मुझे कमेंट में बता दें प्लीज़ कि मैं कौन कौन सी वीडियो बनाऊँ। तो अब आपने इस वीडियो के नीचे मुझे बताना है कि आपको हॉरर व्हाट्सएप चैट के कोई और पार्ट चाहिए, बिकॉज़ ये पार्ट वन होने वाला है। तो आपको इसका और पार्ट चाहिए, कुछ और चाहिए, और आपने ना ये वीडियो एंड तक देनी है। एंड पे ना मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँगी जो कि मेरे साथ हुआ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है हॉरर। तो आपने एंड तक देनी है और वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपने वेट करना है पूरी वीडियो देख के, और आपने बताना है कि आपको स्टोरी कैसे लगी। और आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत लेट कर दिया और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप एडजस्ट करिएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम माय टाइम, लेट्स गेट टू द वीडियो। सो जो आज मैं आपको हॉरर व्हाट्सएप चैट की स्टोरी सुनाने वाली हूँ उसका टाइटल है ग्रैंडमा इज़ इल। तो शुरू करते हैं। ओके, वन इवनिंग, यहाँ पे ना शुरू में हमें बताया नहीं गया कि किन्होंने मैसेज किया है, लेकिन जिनसे बात हो रही है उनका मैं आपको नाम बता देती हूँ। उनका नाम है एक मिनट, सॉरी यार मेरी तरफ प्रॉब्लम हो गई थी, नेट का थोड़ा इशू हो रहा था। तो जिनसे जिन्हें मैसेज किया उनका नाम है कविता। तो जिन्होंने मैसेज किया उनका भी नाम नहीं बताया गया। तो उन्होंने बोला तुम आ रही हो कल निशा की बर्थडे पार्टी में। तो आगे से कविता बोलती हैं मैं कहाँ आ पाऊँगी यार, राधिका दीदी ने यहाँ सैटरडे तक का काम मिला है मुझे, तब तक मुझे यहीं सड़ना पड़ेगा। तो आगे से वो जिनसे जिन्होंने बोला था वो कह रही हैं सड़ने की क्या बात है इसमें, तुझे पैसे भी तो मिल रहे हैं इसके, खेत मतलब कहीं आई थिंक काम कर रही हैं। तो आगे से कविता बोलती हैं हाँ यार 5 दिन के 5,000, बस राधिका दीदी के वापस आने तक उनकी बूढ़ी माँ और उनकी बेटी का ध्यान रखना है। ओके, तो वो आगे से बोलती हैं कि उनकी बेटी जो है ना, जो ये राधिका जिनकी बात कर रही है उनकी बेटी का नाम है निकी। तो वो कह रही हैं कि निकी तो बहुत शांत है, बस खाना दे दो और सारा दिन अपने रूम में खेलती रहेगी। ओके, और दादी भी बीमार हैं तो लेटी रहती हैं, सही यही है कि यहाँ खाना बनाने के बाद मोबाइल चलाने के अलावा और कोई काम नहीं रहता, ये कविता बोल रही है। तो आगे से वो जो अभी अनुआना जिनका भी नाम नहीं बताया गया, वो कहती हैं कोई जगह नहीं है घूमने के लिए वहाँ आसपास। तो आगे से कविता बोलती हैं नहीं यार आसपास बस पेड़ पौधे हैं, वो दादी की एज हो गई है तो डॉक्टर ने उनको बहुत शांत और भागदौड़ से दूर रहने की जगह पर रहने के लिए कहा था, सही। और आर्मी मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, मैं शायद मिस्टेक कर दूँ क्योंकि मैंने कभी ऐसे स्टोरी बैठ के ऑन कैमरा रीड की नहीं है, तो शायद मैं मिस्टेक कर रही हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। तो बैक टू द स्टोरी, तो कविता आगे से बोलती हैं निकी की भी गर्मी के वेकेशन है। ओके, तो उनका समर वेकेशन चल रहा है, तो यहाँ रह रही है वो लोग कुछ तक, तो वो लोग यहाँ रहने आए हुए हैं कुछ टाइम के लिए, सही।
तो आगे से वहाँ नून बोलती हैं, सही है यार तेरा, फ्री के पैसे मिल रहे हैं। तो आगे से कविता बोलते हैं, फ्री के पैसे मतलब, इधर क्वेश्चन मार्क। खाना बनाती हूँ, खिलाती हूँ दोनों को, और दादी की भी देखभाल करनी पड़ती है। के उनको तो अब नहाने खाने का भी ध्यान नहीं रहता। के सब कुछ करना पड़ता है बच्चों जैसे। तो अक्सर नॉन बोलती है, हाँ तू तो संडे को वापस आ जाएगी ना। हाँ नीली सॉरी आदमी, आपको थोड़ा सा शायद वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा हो, बिकॉज मेरा रूम जो है ना बिल्कुल ऐसे विंडो के साथ है, मतलब मेरे रूम में बहुत सारी विंडोज हैं, तो शायद थोड़ी आवाज़ आपको अजीब सी आ रही होगी, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अक्सर नॉन बोलती हैं, हेलो। तो उन्होंने कॉल भी की बट उन्होंने पिक नहीं की कविता ने। फिर कुछ देर बाद ना मैसेज सीन हुए और कविता का मैसेज आता है, यार मैं अभी दादी के कमरे में गई थी चाय देने, वो तो वहाँ है ही नहीं। ओ इंटरेस्टिंग। तो आगे से नून बोलती है, देखो वहीं कहीं होंगी। तो आगे से कविता बोलती है, मैंने पूरे घर में देख लिया, यहाँ कहीं नहीं है। तो आगे से कविता बोलती है, निकी बोल रही है कि दादी को बाहर जाते हुए देखा है उसने। ओके। तो आगे से नून बोलती है, तो बाहर चेक करो। तो आगे से कविता बोलती है, यार बाहर जंगल है बस, पता नहीं कहाँ चले गई, वो तो ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती। तो आगे से अनून बोलती है, हाँ तो सही है ना, वहीं आसपास होंगी। तो आगे से कविता बोलती है, हाँ मुझे उनकी देखभाल के लिए ही रखा था, अगर उन्हें कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ट्रू। तो आगे से अनून बोलती है, या गो सर्च फॉर हर लेटर दैट इवनिंग। जो अनून है ना उन्होंने कॉल की और मैसेज भी किया, मिल गई दादी। तो आगे से कविता बोलती है, अरे पूछ मत यार, ये बुढ़िया सट्या गई है। तो आगे से अनून बोलती है, क्या मतलब। मैं नीचे देख रही हूँ आर्मी, बिकॉज मुझे स्टोरी रीड करनी है, प्लीज़ टेस्ट करिएगा। तो आगे से कविता बोलती हैं, अरे मुझे जंगल में भटकती मिली है। तो आगे से अनून बोलती हैं, हाँ तो बूढ़े लोग भूल जाते हैं रास्ते और भटक जाते हैं कभी कभी। तो आगे से कविता बोलती हैं, लेकिन ये तो पागल है। एंड आर्मी इन्होंने ना यहाँ पे एक वीडियो दिखाई जिसमें ना एक जंप स्केयर था, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट वो जंप स्केयर मैं वैसे यूजली कभी डरती नहीं हूँ, पर वो देख के मैं भी डर गई। तो अगर आपने देखना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। तो आगे से ना वो वीडियो जो है ना उन्होंने कविता ने अनून को दिखाई, तो आगे से अनून बोलती है, शी इज स्केरी विद 3 लाफिंग इमोजीज। तो आगे से कविता बोलती है, डोंट लाफ यार, मैं वीडियो बना रही थी कि ऐसा ना हो कि मैं जंगल में जाऊं और खुद ही रास्ता भूल जाऊं। तो आगे कविता बोलती है, तभी मुझे ये दिखी और इसने मुझ पर अटैक किया, मुझे काटने की कोशिश की, पागल बुढ़िया। तो अक्सर नॉन बोलती हैं, तो अच्छा खाना बना कर खिला, फिर वो तुझे नहीं काटेंगी। तो आगे से कविता बोलती हैं, शट अप रानू। ओके, तो जिनसे बात हो रही थी उनका नाम है रानू। ओ तो
चल मैं बाद में बात करती हूँ, काम है मुझे। दैट नाइट कविता ने कॉल्स की रानू को, तो वो कहते क्या हुआ इतनी रात को क्यों कॉल कर रही हूँ। तो कविता बोलती है ये बुढ़िया फिर से बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है। बोलती हैं कविता मैंने राधिका दीदी को भी कॉल लगाया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। तो आपसे रानू बोलती है अब क्या कर रही है वो। तो एक पिक्चर आई कविता की तरफ से, दैट के एक ओल्ड लेडी हैं और वो ना विंडो की तरफ देख रही हैं कंटिन्यूसली और ना खेल रही हैं ना बोल रही हैं और रूम में बिल्कुल अंधेरा है, जो कि पिक्चर अभी यहाँ मुझे दिख रही है। ओके तो आपसे कविता बोल रही है बस खिड़की के बाहर घूरे जा रही है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये ना कुछ बोल रही हैं ना ही हिल डुल रही हैं, मतलब मूव कर रही हैं। तो आपसे रानू बोलती हैं इसकी बेटी ने बताया था तुझे ऐसा कुछ कि ये दादी कभी कभी ऐसा करने लगती हैं। तो आगे से कविता बोलती हैं हाँ बताया तो था। तो आगे से कविता बोलती हैं इसको कोई भूलने की बीमारी हो गई है वो ओल्ड लेडी को। तो ये ऐसी अजीब अजीब हरकतें करती रहती है। ओके तो आपसे रानू बोलती हैं वो लोग क्या करते हैं ऐसी हालत में, मीन जब ओल्ड लेडी जब ऐसा बिहेव करती है ना वियर्ड तो वो लोग क्या करते हैं। तो आगे से कविता बोलती हैं इसको शांत करने के लिए एक इंजेक्शन दिया है नींद का और समथिंग बेहोशी का। तो आगे से रानू बोलती हैं तुम्हारे पास है वो इंजेक्शन। तो वो आगे से कविता बोलती नहीं लेकिन इसके कमरे में रखा है एक। तो आगे से रानू बोलती हैं ले आओ और लगा दो इसे। तो आगे से कविता बोलती हैं लेकिन इंजेक्शन तो तब देना होता है जब ये वॉयलेंट करे, मतलब जब वो वॉयलेंट हो। तो आगे से कविता बोलती हैं अभी तो ये शांत हैं। तो आगे से रानू बोलती हैं तो तुम क्या वेट करोगी उनके वॉयलेंट होने का, फिर से काटने लगेंगी तुम्हें। तो आगे से रानू कविता बोलती हैं यू आर राइट मैं अभी लेकर आती हूँ। कविता सर्च्स फॉर इंजेक्शन। उसके बाद कविता बोलती है यार रानू मैं इंजेक्शन लेने गई थी उतने में दादी गायब हो गई पता नहीं कहाँ चली। तो आगे से रानू बोलती हैं फिर जंगल में तो नहीं भाग गई। तो कविता कहती अब रात तो हो गई है अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी जंगल में। तो आगे से रानू बोलती हैं लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम पर। मैं बहुत मिस्टेक कर रही हूँ बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आगे से कविता बोलती हैं कहाँ फंस गई मैं निकी को बता देती हूँ मैं बाहर जा रही हूँ अगर उसकी नींद खुली तो हम दोनों को गायब देख कर डर जाएगी। तो आगे से रानू बोलती है हाँ। तो आगे से कविता बोलती हैं ओ माय गॉड रानू मैं निकी के कमरे में गई थी और निकी भी अपने कमरे से गायब है ओ माय गॉड। आगे से रानू बोलती हैं कहीं वो दादी अपने साथ तो नहीं लेगी निकी को।
तो उसके बाद कविता जो है उन्हें ढूंढने जाती है। तो ना रानू कॉल करती है, क्या हुआ, मिले दोनों? तो कविता बोलती है नहीं, और ऊपर से इतने अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा। और कविता बोलती है वो बाल की टॉर्च के साथ दूसरी टॉर्च भी लानी पड़ी। तो ना आगे से रानू का मैसेज आता है, ओ नो। तो उतने देर में कविता बोलती है मुझे निकी की चीखने की आवाज़ आ रही है पास वाले खंडर से। ओ माय गॉड, दैट वाज रियली स्केरी। तो रानू बोलती है तो जाकर चेक करो। तो आगे से रानू बोलती है मिले क्या तुम्हें वो लोग, क्या हो रहा है वहाँ? एंड आर्मी एक जब रानू ने ऐसे पूछा ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो कविता की तरफ से ना कोई रिप्लाई नहीं आया। एक वीडियो आई जो कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती। एंड जब मैंने वो देखी ना, यकीन माने मुझे पता नहीं एक अजीब अनकंफर्टेबल सा फील होने लगे, बिकॉज एक ओल्ड लेडी है जो कि एक अजीब सी जगह पे खड़ी है और एक छोटी सी बच्ची को वो खा रही है। कैन यू इमेजन? तो इसलिए आई एम सॉरी, मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकती, मैं आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती, पर मैंने आपको बता दिया कि ओके हम आगे चलते हैं। वो कभी रानू ने वो वीडियो देखी, कहती और रानू ने बोला ओ माय गॉड ये क्या कर रही है बुढ़िया, बचाओ उस बच्ची को। रानू बोलते हैं कविता को कि बचाओ उस बच्ची को। और कुछ टाइम फिर गुजरता है तो आगे से रानू बोलते हैं क्या हुआ, तुम पुलिस को कॉल करो अगर तुम सिचुएशन संभाली नहीं जा रही। आई होप यू गाइस आर ओके, रानू बोलते हैं। तो उसके बाद फिर रानू कॉल भी करती हैं और बोलती हैं जैसे ही तुम सेफ जगह पहुंच जाओ मुझे कॉल कर देना। हेलो, रानू बोलती हैं विद अ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट डे पुलिस को निकी और कविता जंगल में घायल मिली। निकी की दादी बहुत ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिली। OMG। सो आर्मी यही थी स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी की बोलने में, शोर भी हो रहा है। मुझे पता आपने भी बोला होगा कि वैसे तो वीडियो बनाती नहीं है, बनाई भी है तो इतनी बुरी, तो आई एम रियली सॉरी। एंड आई प्रोमिस कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, मैं चैलेंजेस करूँ, हॉरर स्टोरीज सुनाऊँ। और अगर आपके पास कोई अपनी रियल अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड अगर आप बोलेंगे आपका नेम लेना है तो मैं लूँगी, अगर आप बोलेंगे नहीं लेना तो मैं नहीं लूँगी, मैं आपकी स्टोरी ज़रूर सुनाऊँगी। और मैं सोच रही थी हम ना एक शुरू करते हैं वीक, मीन वन वीक हॉरर हो जाए, वन वीक जो है कोई नॉर्मल चैलेंजेस व्लॉग एंड ऑल ऐसे हो जाए। और मेरा फर्स्ट टाइम था, आई एम रियली सॉरी। और मैं आज कल आप मतलब मैं अपनी वीडियोस पे अपलोड कर रही हूँ यहाँ पे यूट्यूब के शॉर्ट्स पे, तो आप शॉर्ट्स भी देखा करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं वहाँ पे अपडेट देती रहती हूँ क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। सो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, फॉलो मी। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, मेरी जब भी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा। और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। आपको पता है ना, मैंने आपको 2021 में बोला था कि मेरा ड्रीम है मेरी बर्थडे से पहले पहले 1K सब्सक्राइब हो जाए, और मैं अभी तक नहीं हुए। प्लीज़ सपोर्ट मी। और 2024 में वो गोल हमने इंशाल्लाह कंप्लीट करना है, हमें इस ईयर में अपने 1K सब्सक्राइबर करने हैं। प्लीज़ सपोर्ट मी, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग
एंड मैंने जैसे कि आपको बोला था, मैं लास्ट में ना आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी जो कि मेरे साथ हुआ था हॉरर। सो आई मीन हुआ ये था, जब घोस्ट डिटेक्टर का बहुत ट्रेंड चल रहा था ना, मीन हर एक यूट्यूबर जो है घोस्ट डिटेक्टर से अपने घर को डिटेक्ट करके सब जगह चेक कर रहे थे, तो उसका एक ऐप भी आया था, घोस्ट डिटेक्टर ऐप। तो वो मैंने ना एक अपने फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो में देखा था, तो मैंने सोचा वाई नॉट मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ, बिकॉज मुझे उस टाइम बहुत क्रेज़ था कि मैं भी करूँ। तो ना मैंने उसको ऐप को ना डाउनलोड किया एंड मैं ना अपने घर को स्कैन करी थी, जो इससे पहले वाला मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने ना घर शिफ्ट कर लिया, जिससे पहले वाला था ना, तो मैंने ना पूरा घर स्कैन किया। तो ना उसके अंदर पता क्या था, जहाँ पे आपने वो एंजेला वाली वीडियो देखी होगी ना, जहाँ पे ऊपर वाले रूम में मैंने शूट की थी, तो वहाँ पे बाहर मैंने आपको दिखाया था कितना अच्छा, आई थिंक मैंने दिखाया था। तो ना उसके बाहर से जस्ट ना रूम से बाहर बहुत अंधेरा होता था, तो वहाँ पे ना कभी कभी बहुत वियर्ड फीलिंग आती होती थी, तो इतना ना वहाँ पे कोई होता भी नहीं था। तो उसके जो नीचे जस्ट नीचे वाला रूम था ना, वहाँ पे मेरे बेड के ना साथ एक ऐसी कॉर्नर होती थी, वहाँ पे कह लो एक टेबल होता था, जस्ट बेड का साइड टेबल, और वहाँ पे कुछ होता नहीं था। और काइंड ऑफ वहाँ पे इतना मतलब लाइट नहीं, वहाँ इतनी लाइट नहीं जाती होती थी, बिकॉज लाइट ना इस तरफ लगी हुई थी। तो ना मैंने घोस्ट डिटेक्टर पूरा कर स्कैन किया एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ नहीं मिला, पर जैसे ही मैंने बैठ के उस तरफ आके मैंने ना ऐसे बैठ के इस तरफ बैठी थी, और ऐसे ना ऊपर वॉल थी, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ ऐसे लेके गई और मैंने ऊपर किया एंड पता नहीं वो कौन थी, एक लेडी थी, उन्होंने ना ऐसे करके हिजाब किया था दुपट्टे से, एंड मैंने जैसे उन्हें देखा ना हमारा ऐसे, तो उन्होंने मुझे सिर्फ ऐसे किया, जस्ट ऐसे। मैंने ना पूरा घर किया डिटेक्ट, तो कुछ भी नहीं, कहीं पे भी कुछ नहीं। मैं ना अपने रूम में एंटर हुई हूँ और ना मैं बेड पे ना ऐसे बैठ की थी, मेरा ना ऐसे वॉल के साथ ना ऐसे पड़ा होता था बेड, तो मैंने ना बैठ के ना ऐसे पाँव वाली साइड पे मैं बैठ के ना मैंने ऐसे सामने जहाँ पे वो एरिया ना ऐसे बेड के साथ, मैंने उसके थोड़ा इधर ना ऊपर जो बेड की टेक नहीं होती, मैं ना वहाँ पे कर रही थी। तो ना डिटेक्ट करते करते ना मैं ऐसा एक सिग्नल आया, उसमें ना नीचे लाइट चल जाती थी, कि अगर कुछ ऐसा फील होता था ना ऐप की तरफ, तो ना वो एक लाइट चलती थी ना हल्की सी हुई। तो ना मेरा भाई साथ बैठा हुआ था, उसने मुझे बोला कि ना देख देख वहाँ पे ना लाइट ऐसे ना फ्लिकर हुई है लाइट। मैंने कहा कि मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मेरा ना ध्यान नहीं था। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मैंने एक बार दोबारा करती हूँ। आई मीन बिलीव मी, मैंने सिर्फ और सिर्फ ना मोबाइल को अपने ऊपर किया और मैंने ना ऐसे ऊपर किया खोल के, ये समझे टेक है, टेक से ना मैंने इतना ऊपर ना अपने मोबाइल का कैमरा किया, ये टेक है और ऐसे कैमरा मैंने किया। वहाँ बेड की टेक से इतना ऊपर ना हवा में दीवार के साथ चिपकी हुई कह लो एक लेडी, और आप बिलीव नहीं करोगे, वो मेरे पास ना वर्ड नहीं है, मैं कैसी लग रही थी वो, उन्होंने मुझे सच में कपड़े भी नहीं आए, उन्होंने ना वाइट कलर के दुपट्टे से मे भी ऐसे ना हिजाब किया था दुपट्टे का, और ना उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा, ऐसे नहीं वैसे कुछ नहीं था, पर वो मोबाइल में नज़र आ रही थी। मैंने अपने भाई को भी दिखाया कि वो मोबाइल में से मुझे देख रही हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ, और मैं और मेरा भाई देख रहे हैं, और उन्होंने कुछ हमें बोला नहीं, बट जस्ट उन्होंने ना ऐसे किया। और सिर्फ इतना देखने की देर थी पर मेरी सच में पार्ट लग गई, मेरी फट गई, मतलब मैं इतना डर गई, मेरा भाई इतना डर गया। वैसे मैं डरती नहीं हूँ, मैं हॉरर मूवीज़ अकेले बैठ के देख लेती हूँ, स्टोरीज रिचुअल वगैरह देखने में मुझे बहुत अच्छा बहुत मज़ा आता है, मुझे सच में अकेले रूम की लाइट्स वगैरह ऑफ करके मैं देख लेती हूँ। उस टाइम मैं इतना डर गई कि लिटरली मैंने अपना मोबाइल फेंका वहाँ, और मैं और मेरा भाई हम रूम से स्पीड से भागे और हम ना हॉल में आ गए, जो हमारा हॉल था ना हम उधर आ गए, और मेरी मम्मा वो किचन में थी और मेरे डैडा जो हैं वो मे भी बाहर गए हुए थे, तो मतलब रूम में सिर्फ मेरे मेरा भाई था। और जब हम हॉल में खड़े हैं ना और मेरा मोबाइल तो अंदर, तो उस मोबाइल में ना
वो मतलब उसके अंदर बेल हो रही थी, मीन जैसे डिटेक्ट किया ना ऐप ने, तो वो बेल बज रही थी। और यकीन मैंने हमें दोनों में से इतनी हिम्मत कोई अंदर जाए जाके मोबाइल ले। एंड फिर मतलब हम डैडा ना खा रहे हैं, उन्होंने बोला कि क्या हुआ, हमने ना उन्हें बताया कि हमारे साथ ना ऐसे ऐसे हुआ है, वहाँ पे बिलीव नहीं कर रहे थे। मैंने बोला, मैं कहा अल्लाह की कसम, मैं कहा चले मैंने एक बार देखा, मैंने मान लिया तो मुझे गलत फहमी। मैंने कहा ये मेरे साथ बैठा था, मैंने अपने भाई को बोला कि इसने भी देखा। तो मतलब हमने जब उन्हें पूरी बात बताई, फिर उन्हें बिलीव हुआ कि वाकई ही। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके बाद घोस्ट डिटेक्टर ऐप का और ऐसा मेरे सर से शौक उतरा, ऐसा उतरा ना, अब दोबारा कभी मुझे उस चीज़ का शौक नहीं होगा। बट अभी भी मुझे बहुत शौक है हॉरर स्टोरीज वगैरह। मैं सच में, मेरी बहुत सारी फेवरेट यूट्यूबर हैं, यकीन मानो मेरे इतने इतने सारे फेवरेट हैं ना, और उनकी हॉरर वीडियोस अभी भी मैं अकेले देख लेती हूँ। और अगर आपके पास कोई, अगर आपका ऐसा रियल है ना हॉरर इंसिडेंट, तो ज़रूर बताइएगा। और बहुत ज़्यादा बकवास कर दी मैंने, बहुत लंबी बकवास कर दी। एंड प्लीज़ फुल वीडियो देखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। अल्लाह।